अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ। वेलकम टू एक्सपर्ट्रॉनिक्स। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं हायर के फुली डिजिटल इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के फीचर्स, प्लस इसको किस तरह से आपने ऑपरेट करना है, टच के ज़रिए किस तरह आपने इसका टेम्परेचर वगैरह सेट करना है, और जो इसके की फीचर्स हैं उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो व्यूअर्स, हायर के FD इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर के की फ़ीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके डिजिटल कंट्रोल की बात करेंगे जो इसको रियल डिजिटल इन्वर्टर बनाता है। दूसरे कंपटीटर्स में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो व्यूअर्स, हम आपको सबसे पहले इसको डिजिटली कंट्रोल करने का तरीका कार बताएंगे, क्योंकि बहुत से हमें इस बारे में क्यूरीज आई हैं। आमतौर पे आम रेफ्रिजरेटर में एक एनालॉग मैनुअल किस्म का थर्मोस्टैट लगा होता है, जिसमें 1 से 7 तक स्पीड्स होती हैं। 1 इज़ मिनिमम और 7 इज़ मैक्सिमम स्पीड होती है, जिसके ज़रिए आप अपने फ्रिज का टेम्परेचर सेट करते हैं। जबकि ये जो रियल डिजिटल इन्वर्टर है, इसमें इस तरह की ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर एक डिजिटल कंट्रोल दिया गया जो टच के ज़रिए काम करता है, और इससे हम टेम्परेचर को किस तरह से सेट करेंगे, इसके बारे में हमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो हम आपको इसको ऑपरेट करने का तरीका कार बताने लगे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक ये ओके का बटन बना हुआ है, जिसके ऊपर 3S लिखा हुआ है और अनलॉक का साइन बना हुआ है। तो इसके ऊपर हम फिंगर रखेंगे 3 सेकंड के लिए, तो ये अनलॉक हो जाएगा। अब ये अनलॉक हो गया, इसके बाद हम इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं और इसके डिफरेंट फीचर्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जब हमने फंक्शन सेट वाला बटन दबाया तो इसमें 3 ऑप्शंस आ जाएंगी। इसको कह रहे हैं पावर कूल, पावर फ्रीज, और तीसरी ऑप्शन जो आ रही है वो फ्यूजी लॉजिक की आ रही है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि पावर कूल क्या है, पावर फ्रीज क्या है और फ्यूजी लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अगर आप पावर कूल पे करते हैं तो ये कूलिंग जो है आम कूलिंग के मुकाबले में कुछ कम होगी। अगर आप कूलिंग ज़्यादा चाह रहे हैं तो आपको इसको पावर फ्रीज पे रखना है, और आप अगर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रखना चाह रहे हैं जो अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपनी स्पीड कम ज़्यादा करता रहे, तो वो फ्यूजी लॉजिक है। तो करना व्यूअर्स ये है कि आपने इसको पावर कूल, पावर फ्रीज और फ्यूजी लॉजिक, इनमें से जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है उसके ऊपर लेके आना है। जैसे मैं पावर फ्रीज़ करना चाह रहा हूँ, तो ये पावर फ्रीज जब आ गया तो इसको मैंने ओके कर देना है। ये पावर फ्रीज ब्लिंक हो रहा है, मैंने ओके कर दिया, अब ये परमानेंट लाइट ऑन हो गई है। इसका मतलब है कि अब इसका जो फंक्शन है वो पावर फ्रीज पे सेट हो गया। तो व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात आपको बताता चलूँ कि जब भी आप कभी नया रेफ्रिजरेटर ख़रीदें तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप रेफ्रिजरेटर लेने के बाद जिस जगह पे डिज़ायर्ड लोकेशन पे आप रखना चाह रहे हैं वहाँ पे इसको रख के आप तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको इसको तकरीबन 5 घंटे जो है वो खाली चलाना होता है, और उसके बाद आप इसके अंदर सामान रखते हैं। तो मैं आपको ये सजेशन दूँगा कि जब आप इसको 2 घंटे के बाद ऑन करें तो इसका टेम्परेचर पहली दफ़ा जो है वो पावर फ्रीज पे सेट करें, और इस पावर फ्रीज पे ये तकरीबन 5 से 7 दिन तक चलता रहे, ताकि ये अपनी एक दफ़ा इंटरनल कूलिंग पूरी कर ले। उसके बाद हम इसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक पावर कूल या फ्यूजी लॉजिक पे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था इसका डिजिटल कंट्रोल कि इसको हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। ये बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं वो ऑटोमेटेड हैं। जब हम एक दफ़ा इसकी फंक्शन सेट कर देंगे तो बाकी चीज़ें वो खुद ब खुद रेगुलाइज होती रहेंगी। तो अब इसके दूसरी फीचर्स की बात करते हैं। जो भी हायर का FD इन्वर्टर है, ये 105 वोल्टेज पे बगैर स्टेबलाइज़र के चल सकता है। इसके अंदर 100 आवर्स का कूलिंग बैकअप है। एडिशनल फीचर्स इसमें ये हैं कि इसके फ्रीज़र में भी लाइट है जो आम रेफ्रिजरेटर में नहीं होती। इसके अलावा इसके अंदर काफ़ी जदीद किस्म के फंक्शंस हैं, जिसके बारे में अब हम आपसे बात करेंगे। ये जो नीचे लाइट लगी हुई है, ये ब्लू टर्बो वाली लाइट है, प्लस इसके अंदर टर्बो कूलिंग का फंक्शन है। ये टर्बो कूलिंग इस तरह से काम करेगा कि इसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है जो इसके पूरे कंपार्टमेंट में टेम्परेचर जो है वो एक जैसा रखेगा। जो हमारे पुराने रेफ्रिजरेटर थे उसमें इशू ये होता था कि जो चीज़
एवेपरेटर के पास होती थी वहाँ पे कूलिंग जल्दी हो जाती थी, जो दूर होती थी जो आइस बॉक्स इसमें वेजिटेबल बॉक्स में चीज़ें होती थी उनमें कूलिंग काफ़ी देर से होती थी। लेकिन इस रेफ्रिजरेटर की खूबी ये है कि आपको प्रिसाइज कूलिंग देगी, पूरे रेफ्रिजरेटर वाले कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर होएगा उसका डिफरेंस लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड होएगा। जी बिल्कुल, लेस देन 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिफरेंस होएगा पूरे कंपार्टमेंट का। तो व्यूअर्स ये देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अगर हम इसकी टर्बो कूलिंग वाली फंक्शन ऑन करते हैं तो ये देखें, ये टर्बो इसका ऑन हो गया। अब ये देखें ये आपकी कूलिंग जो है वो किस तरह से पूरे कंपार्टमेंट में फैला के दे रहा है, जबकि आम रेफ्रिजरेटर में ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से फैल रही है। तो इस वजह से इसकी इफ़ेक्टिव कूलिंग होती है और ये बड़ी प्रिसाइज कूलिंग होती है। अब हम दूसरी इसके ब्लू यूवी फ्रेशनेस की बात करते हैं, वो कैसे काम करता है। तो ये एक आम रेफ्रिजरेटर में आप देख रहे हैं कि जर्म्स किस तरह से पैदा हो रहे हैं, सेम मैकेनिज़्म में इसमें हायर के रेफ्रिजरेटर में भी हो रहे हैं, लेकिन ये यूवी सिस्टम जो है ये जर्म्स को किल कर रहा है और आपकी चीज़ों को ज़्यादा देर फ्रेश रख रहा है, जबकि इसके मुकाबले में जो आम रेफ्रिजरेटर है उसमें ये वाला मैकेनिज़्म बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो व्यूअर्स ये थी कंप्लीट डिटेल्स हायर FD इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी और आप अपने रेफ्रिजरेटर को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे इन तमाम फंक्शंस को। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें।